इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड होते हुए दिख रही है, जो कि अनिल अंबानी जो कि चेयरमैन और डायरेक्टर थे रिलायंस पावर को, उसको डायरेक्टर के पद से स्टेप डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया है। जिसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर के जो केस चल रही थी, उसके बाद सेबी ने मार्केट से आउट करा था और इस समय रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से इनको स्टेप डाउन कर दिया गया है। एज पर माई नॉलेज ये एक अच्छी खबर है रिलायंस पावर के इन्वेस्टर के लिए और ट्रेडर के लिए। हालांकि टेक्निकली इस स्टॉक को देखेंगे तो इस समय ये स्टॉक टेक्निकली वीक लग रहा है और 14 रुपये के ऊपर ही इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करें, क्योंकि इस समय डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए दिखा है और इस स्टॉक में 11 रुपये तक के लेवल्स, यानी यहाँ से भी आपको लगभग 10-15% तक के गिरावट इस स्टॉक में दिख सकता है। तो हालांकि इस न्यूज को कैसे रिटेल इन्वेस्टर रिएक्ट करते हैं ये देखने वाली बात है, जो कि मंडे को देखेंगे। श्योरली से स्टॉक में देखेंगे तो पिछले 6 मंथ से ये स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। 6 मंथ का रिटर्न -0.76 मतलब 1% के आसपास का मूवमेंट भी नहीं हुआ है, और बीच में ऐसे थोड़ा बहुत हमने मूवमेंट देखा है। इस स्टॉक को अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो लगभग 12 रुपया से लेकर के, और 12 रुपया का मूवमेंट हमने 19 रुपये के प्राइस से कंटिन्यूस स्टॉक गिरते हुए दिखा है। नेक्स्ट सपोर्ट इस स्टॉक का 11 के आसपास है, तो श्योरली वेट करेंगे इस स्टॉक को 11 के आसपास तक के प्राइस का आने का। अगर मंडे को ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो श्योरली इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखें और ह्यूज क्वांटिटी बिल्कुल नहीं लेना है।